अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपका भी एक इस्लामिक चैनल है, आप उस पर इस्लामिक वीडियोस जो है ना वो अपलोड करते हो, मतलब कोई भी इस्लामिक जो है ना वो स्टोरीज वगैरह की वीडियोस अपलोड करते हो, तो उनके लिए जो है ना वो आपके लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस्लामिक वीडियोज़ को जो है ना वो अपलोड करने के लिए, इस्लामिक चैनल को चलाने के लिए। सबसे मेन चीज़ होती है आप बैकग्राउंड फ्री जो है ना वो वीडियोज़ आपको चाहिए होती है, मतलब अपने जो अपनी वीडियो में जो वीडियोज़ यूज़ करनी होती हैं, इस्लामिक वीडियोज़ यूज़ करनी होती हैं, जिस तरीके की ये वीडियोज़ चल रही हैं, ठीक है, इस तरह की वीडियोज़ आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। उसके बाद जो आपको चीज चाहिए होती है, पिक्चर्स चाहिए होती हैं इस्लामिक, इस तरीके की पिक्चर्स आपने वो जो ना वो आपको बहुत जरूरी होती है इस्लामिक वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की पिक्चर्स आपको मैं बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना सिखाऊंगा। इसके अलावा इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक आपको चाहिए होता है जो आप अपनी वीडियो में यूज करते हो, और वो भी आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना वो डाउनलोड करने का तरीका आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें ना तो आपको कोई कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना तो आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, बिल्कुल आसानी के साथ आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा अगर आप ये चीजें यूज करोगे। लेकिन आपको मैं फर्स्ट में स्टार्ट में ही बता दे लूँ, अपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं ना वो मैं आपको लाजमी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो मिस कर जाओगे तो फिर बाद में आप मुझे बोलोगे या फिर यार बंदे की हमने वीडियो देखी थी और जो है ना वो हमारे कॉपीराइट क्लेम आ गया, स्ट्राइक आ गई। तो इससे पहले गुजारिश है कि वीडियो जो है ना वो बनाने से पहले ये 3-4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो पूरी देख लिया करो, कि आपको मुकम्मल प्रोसेस समझ आ सके कि हमने आखिरकार वर्क किस तरीके से करना है। जब आपको मुकम्मल तरीके से समझ आ सके फिर उसके बाद आप मेहनत करो, वरना आप ये चीज यहाँ पे 3-4 मिनट जो है ना वो स्किप कर देते हो और बाद में आपकी सालों की मेहनत जो है ना वो जाया हो जाती है। तो फिर यहाँ पे पहले सीखो ना, पहले सही चीज सीख के जाओ कि आपने स्टार्ट में वर्क करना है किस तरीके से, ठीक है। तो 4-5 मिनट आपने यहाँ पे जाया कर दिए तो उसके बाद आपकी सालों की मेहनत भी जाया हो सकती है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ आपने जो है ना वो इस्लामिक जो है ना वो पिक्चर्स कहाँ से डाउनलोड करनी है, इस्लामिक वीडियोज के लिए आपने पिक्चर्स कहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए आपने सिंपली आ जाना है दोस्तों अपने प्ले स्टोर में आ जाना, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर सर्च बार में पिंट्रोस्ट ये आप लिखोगे, ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। अब इसको वर्क किस तरीके से करना है, इस पे इसको यूज किस तरीके से करना है, इसकी वीडियोस पिक्चर्स इस तरीके की डाउनलोड कैसे करनी है, वो प्रोसेस आपको मोबाइल की स्क्रीन पे चल के बताता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा आऊंगा, आपको जो ना वीडियोस बताऊंगा, फिर जो ना वो म्यूजिक डाउनलोड करना बताऊंगा। सबसे पहले आप पिंट्रोस्ट को देख लीजिए, इसको यूज करते हुए आप जो ना वो इस तरीके की पिक्चर्स किस तरीके से डाउनलोड करोगे। जी हाँ दोस्तों, इस्लामिक पिक्चर्स डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने पिंट्रोस्ट को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ये इस तरह का लोडिंग लेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे सर्च बार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सर्च बार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने लिखना है इस्लामिक पेंटिंग, ठीक है। तो इस्लामिक आप लिखोगे, ठीक है, पेंटिंग्स ये नीचे देख सकती है, यहाँ पे आ गया, मैं लिख लेता हूँ इस्लामिक पेंटिंग्स, आपने ये सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मेरा अभी नेट थोड़ा स्लो है, मैं इसको ठीक कर लेता। ये देखिए इस तरह की पिक्चर्स आपको इस्लामिक पेंटिंग लिखने सर्च करने पे मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाती हैं, ठीक है। आपने कोई सी भी जो अपनी वीडियो के रिलेटेड आपने डाउनलोड करनी होगी उस पर आप क्लिक करोगे, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके डाउनलोड इमेज पे क्लिक करोगे, ये आपके पास इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए गैलरी में इमेज डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से और भी देखिए बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, आपने सिंपली बैक आ जाना है और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके की इमेजेस है, इस तरीके की हैं, ये देखिए इस तरीके की इमेजेस हैं, इसको नीचे करोगे तो इस तरीके की और भी बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की इमेजेस मुझे मिल चुकी हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी इमेजेस आपको अनलिमिटेड इमेजेस मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ से सोचते हो कि जो है ना वो मतलब इससे कॉपीराइट आ जाएगा या कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो फिर मैं आपको एक और जगह भी बता देता हूँ, वहाँ से भी आपको ईजिली यहाँ पे इमेजेस मिल जाएंगी। आपने सिंपली गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने क्या लिखना है, गूगल क्रोम में सर्च बार में आपने लिखना है पिक्सेल, ठीक है। आपने लिखना है PIXABAY, ठीक है। ये ऊपर नाम पढ़ सकते हैं इस तरीके की, आपने पिक्सा बे लिखोगे। उसके बाद पिक्सा बे लिखने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सर्च बार में आप सर्च करोगे इस्लामिक इमेजेस, ठीक है। ये आपको इस्लामिक इमेजेस लिखोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी इस्लामिक इमेजेस आ जाएंगी, आपको जो भी यहाँ से चाहिए होगी, ये देखिए इस तरीके की इमेजेस आ जाएंगी, जो भी आपको चाहिए होगी अगर यहाँ से डाउनलोड करोगे तो आपको बिल्कुल फ्री में ये इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों इस तरह की इमेजेस आ जाएगी, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पे करोगे तो आई आप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे ये ऊपर देखिए फ्री टू यूज़ अंडर द पिक्सेल, मतलब ये बिल्कुल आप फ्री यूज़ कर सकते हैं कंटेंट लाइसेंस, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने बता दिया किस तरीके से ये पिक्चर्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद अभी आप बात करते हैं हम वीडियोस किस तरीके से जो है ना वो डाउनलोड करोगे, इस्लामिक वीडियोस डाउनलोड किस तरीके से करोगे। तो चलते हैं, इसके लिए एक वेबसाइट है, ठीक है, गूगल क्रोम में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर चल के आपको बताता हूँ किस तरीके से वहाँ से जो है ना वो वीडियोज़ आप डाउनलोड करोगे इस्लामिक वीडियो बनाने के लिए।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपली आपने सिंपली क्रोम को ओपन कर लेना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है, सर्च बार में आपने लिखना है PEXPIXELS, ये आपने लिख के सर्च करना है, आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए इमेज सेलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पे इमेजेस भी आपको मुख्तलिफ इमेजेस मिल जाती हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस्लामिक इमेजेस, ठीक है, इस्लामिक इमेजेस अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है, ठीक है, सर्च होगा तो आपको इमेजेस यहाँ पे इस्लामिक इमेजेस मिल जाएंगी। ये मैंने सर्च में थोड़ा सा गलत किया है, ठीक है, आपको सर्च ठीक तरीके से इस्लामिक की स्पेलिंग ठीक तरीके से लिखनी है, तब जाके सर्च अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस्लामिक इमेजेस आपको ये देखिए इस तरह की इमेजेस, ये देखिए कुरान मजीद की इमेजेस, ये देखिए मस्जिद की इमेजेस, इस तरीके से इमेजेस मिल जाएंगी। और अगर वीडियो की बात की जाए, यहाँ पे ऊपर थ्री यहाँ पे डॉट सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके वीडियोज़ पर क्लिक करोगे, ठीक है, वीडियोज़ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने सर्च बार में लिखना है इस्लामिक वीडियो। ये इमेजेस पे वीडियो पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और थोड़ा मेरा नेट स्लो है। वीडियोज़ पे क्लिक करके आपने दोबारा लिखना है इस्लामिक वीडियोज़, मैं लिख लेता हूँ इस्लामिक वीडियोज़, और उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। जब मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। ये देखिए बंदा सर सजदा कर रहा है, ठीक है, और ये देखिए इस तरीके की वीडियोज़, बहुत सारी वीडियोज़, मतलब जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो, ये देखिए इस तरीके की मस्जिद की वीडियो, देखिए नमाज़ पढ़ने की वीडियोज़, इस तरीके की वीडियोज़ आपके सामने। यहाँ पे देखिए तस्बीह पढ़ रहा है बंदा, ठीक है, इस तरीके की, ये देखिए नमाज़ पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, ठीक है, ये देखिए तस्बीह पढ़ रहा है, कुरान मजीद हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस आपको अपने रिलेटिव, अपने अपनी वीडियो कंटेंट के रिलेटेड आपने सर्च करना है तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपने जो है ना वो साउंड कहाँ से डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करना है। आपने दोबारा होम में आ जाना है, यहाँ पर मैंने आपको पहली वेबसाइट बताई थी जो जिसका नाम था पिज़्ज़ा बे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ PIXABAY, ये मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, इसमें फ़िल्टर के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं कर, वो सॉरी ये बैक चला गया, मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ पिज़्ज़ा बे, इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपने ऊपर फ़िल्टर पे भी आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आपने सिंपली मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको म्यूज़िक मिल जाएगा, म्यूज़िक साउंड इफेक्ट वीडियोस, ठीक है, आपने म्यूज़िक के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, म्यूज़िक के ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक, ठीक है, मैं आप यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जैसे आप इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक सर्च करोगे तो ये देखिए इतने ज़्यादा म्यूज़िक आपके पास इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूज़िक आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप सुन भी सकते हो इनको प्ले करके, ये देखिए ये आप सुन भी सकते हो कितने मज़े के म्यूज़िक्स हैं, ठीक है, इस्लामिक, और बहुत सारे म्यूज़िक हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अभी आपने नोट करने हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे इस्लामिक स्टेप्स हैं, आपने यहाँ पे मतलब म्यूज़िक मिल जाएंगे, आपने सिंपली ये डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन जब आप वीडियो अपलोड करोगे, यहाँ पर ये तीर का ऑप्शन मिल रहा है साउंड के नीचे, यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये फेवरेट का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल रहा है, आपने सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद ये आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम कोई स्ट्राइक नहीं आए। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपने पिक्चर्स किस तरीके से डाउनलोड करनी है, वीडियोस किस तरीके से डाउनलोड करनी है, म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करना है, सब चीज़ें आपको बता दी। अगर आप इसी तरीके से यूज़ करते हो तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।